उसमें आएंगी अब भिंडियाँ। और मोटिवेशन आ गई है कमाल की कि घर पे खुद सब्जियाँ उगाएंगे और घर की उगी हुई सब्जियाँ खाएंगे। और वैसे भी जब से हम लोग न्यूजीलैंड आए हैं हमने भिंडी तो सिर्फ इक्का दुक्का बार बनाई है, क्योंकि या तो भिंडी मिलती है फ्रोज़न जो पानी छोड़ देती है, या भिंडी मिलती है सुनार की दुकान पर, वो भी तोले के भाव। और अब काम सिर्फ इतना सा है कि जाना है फिर से बनिंग्स, वहाँ से लेकर आना एक होज़, एक स्प्रिंकलर, क्योंकि बकेट से पानी देते देते तो हम दोनों की कमर की बैंड बच गई है जी। हाँ मैं इधर ही बैठती थी। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लगाया अभी। हेलो अभी, अभी मैंने ये तो सारी मिर्ची है, टमेटोज लगाए हैं, बेल पेपर है, कोरिएंडर एंड रॉकेट डाला है, उसमें मिंट एंड स्पिनच, क्यूकम्बर वगैरह लगाऊंगी, भिंडी के सीड्स मैंने अलग से लगा दिए ना, तो वो सब लगाऊंगी। अभी अंदर भी रखे हैं पता है प्लांट्स यहाँ पे। ओह माय गॉड, कितने सारे मिट्टी लेके। आज अभी हमारा सबसे पहला काम है दिवाली की लाइट्स को उतारना। ब्रेकफास्ट जस्ट अभी किया है, जिसमें हमने खाया क्यूकम्बर एंड टमेटो सैलेड, क्योंकि सडनली मुझे याद आया कि जो सिलेंडर ड्रॉप करने आए थे वो हमें बता के गए कि सिलेंडर के 1.5 मीटर की दूरी पर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हैज़ार्ड है। कल तो मैं पूरा दिन बिजी थी और नर्वस भी थी, पर आज लाइट उतार लेते हैं। ऐसे फोल्ड करते हैं। ऐसे ऐसे फोल्ड करने में कोई जगह को। हाँ सही है, तो करो। यहाँ से शुरू करो ना, एक एंड से। नहीं नहीं नीचे से करो। एक एंड ही है बेबी। वैसे तो आज का टेम्परेचर है 22 डिग्री, पर ये 22 डिग्री भी 40 के बराबर लगता है, क्योंकि अगर आपको भूगोल याद हो तो अर्थ के इस कोने में ओजोन लेयर कम है, और ओजोन लेयर कम होने की वजह से जो सन रेज हैं वो सीधी लगती हैं, और आधे घंटे में तो स्किन झुलस जाती है। अभी मुझे जाना है फटाफट बनिंग्स, वहाँ से लाना है होस, और फिर जाएंगे वॉक पर, क्योंकि कल का दिन हमने रिलैक्स किया था, उसको भी कंपनसेट करना है। और ये प्लास्टिक बैग्स मैंने ले लिए हैं, इसमें लाएंगे पेड़ से गिरे हुए पत्ते। सही है, इसमें वो भी है, बूढ़े अंकल ने भी ले रखा है तो अच्छा ही होगा। हाँ एक्सपीरियंस्ड अंकल है वो तो, है ना। मैं वही देख रहा था उनके बैग में।
मैं फोटो खींच रही थी। मैंने फोटो खींचने के लिए बोला, वीडियो बना। बनिंग्स वाला काम तो हो गया है फाइनली। 3 दिन से सिर्फ बनिंग्स के ही चक्कर लग रहे हैं। अभी आए हम लोग वॉक पर। इस जगह का नाम है स्पून लगून। घर से बहुत ही पास है। स्पून की तरह है क्योंकि बीच में राउंड है, फिर एक डंडी की तरह बनता है, तो उसको स्पून लगून कहते हैं। ये एक लूप है और 3 किलोमीटर्स का लूप है। हमें इसे करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ये लूप करके मैं आपको यहाँ पे वापस मिलती हूँ। ये पूरा राउंड लूप है और उधर पीछे स्पून की डंडी की तरह बनता है। ये स्पून की तरह एक डंडा है और ये पूरा राउंड। इसलिए इसको कहते हैं स्पून लगून। जाना, आई थिंक सो इतनी इनफ है। अगर चाहिए होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। ओ बाप रे, तो बहुत बढ़िया है। सही है, आराम से जान मेरी। साफ सुथरे, गीले भी नहीं है और सांप भी नहीं है। सही में यार, ना सोचिए ना कि सांप होता तो। अच्छा, न्यूजीलैंड में सांप नहीं होते। चलो हम तो रोज आते हैं, ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा। एक दिन में थोड़ा ले जाना। मोहब्बत के पत्ते हैं जाना, एलर्जी ना हो जाए आपको बस। आप चलो चलो, पत्ते डाल देना प्लीज उसके अंदर। और ये पत्ते इसलिए क्योंकि कंपोस्ट भी खुद घर पर बनाएंगे। अब लग रहा है थोड़ा गार्डन जैसा। लकड़ियाँ वकड़ियाँ लग गई हैं प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये चेयर उल्टी करके इसलिए रखी है यहाँ पे क्योंकि डे टाइम में मैंने देखा कि चिड़िया जो है वो सीड्स को चुप के ले जा रही थी, तो मुझे लगा प्लांट्स आने से पहले ही मर जाएंगे, तो उनको थोड़ा प्रोटेक्ट कर देते हैं। हाँ
अभी रात के 9 बज रहे हैं, यहाँ काजू पेस्ट की ग्रेवी बन रही है और साथ में रोटी। ये सैटरडे नाइट है तो हम शायद मूवी देखेंगे या वीडियो एडिट करेंगे, फिर सो जाएंगे। कल मेरी लास्ट छुट्टी है, उसके बाद लाइफ बैक टू रियलिटी हो जाएगी और ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड सी यू सून।